AMMATHS ट्यूटोरियल्स पे मैं अनिल मौर्य आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स. आज का अगेन टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशिएशन रिलेटेड टू द ग्रेडिएंट. तो पहले जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि व्हाट इज द ऑपरेटर ऑफ डेल क्या है, ग्रेडिएंट क्या है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट है तो उनका फार्मूला क्या है, डिवीजन वाले हैं तो क्या फार्मूला है, सम एंड डिफरेंस है तो क्या फार्मूला है. तो अब हम इस ग्रेडिएंट में कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि हम जब आगे आए और बहुत सारे जो टॉपिक्स पे हम जब डिस्कशन करें तो उस टाइप पे इस ग्रेडिएंट को निकालने में हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो. डेल फाइज जो इम्पॉर्टेंट है वो निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको ही टारगेट रख के हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेके आ रहा हूँ मैं. तो इन सभी कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे, कैसे करेंगे, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को करने का प्रयास करेंगे. तो आइए जैसे हम कहते हैं दिस इज हियर प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेडिएंट फॉर फाइव प्रॉब्लम है. और पहले अब इससे सॉल्यूशन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड को अपने शेयर करें. और यदि आप मेरे पहले सब्सक्राइबर हैं तो बेल बटन जो होती है उसे ऑफ ऑन करें, क्लिक करें उस पर, जिससे मैं कुछ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. ओके, लेट्स गो टू द प्रॉब्लम्स. तो पहला जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द डेल फाई एट पॉइंट वन माइनस टू वन एंड वेयर इज फाई इक्वल टू दिस व्हाट. तो हाउ टू सॉल्व मेन इज इम्पॉर्टेंट इन हाउ टू सॉल्व फाइ इज गिवेन. तो डेल फाइ इज, तो फर्स्ट यू राइट डाउन द डेल फाइ, देन आफ्टर देन नेक्स्ट वर्क, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. से व्हाट इज द डेल फाइ, तो एवरी वन इज नो कि डेल फाइ इज इक्वेशन वन. डेल फाइ इज इक्वल टू क्या होता है, आई डेल फाइ अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाइ अपॉन डेल वाई एंड के दिस इज द डेल फाई अपॉन डेल जेड. ये है वेयर डेल इज इक्वल टू, आपको पता होगा दिस इज आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, दैट इज अ टर्म ऑफ डेल. तो अब इसी को हम करेंगे. सो नाउ डेल फाई, फर्स्ट यू फाइंड आउट द डेल फाई. वट इज योर वर्क, फर्स्ट यू फाइंड डेल फाई, देन पुट वैल्यू वन माइनस टू वन. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो नाउ आई डेल वाई डेल एक्स एंड पुट द वैल्यू ऑफ फाई, थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर प्लस जे डेल डेल वाई, थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर प्लस के डेल डेल जेड, थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर. हियर दैट इज द फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये जो है ना, फर्स्ट यू राइट डाउन दिस, यहाँ से ये जो फाई की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे राइट अप कर लेते हैं. देन गो, इट मीन्स डेल बाई डेल एक्स मीन्स वाट. डेल बाई डेल एक्स मीन्स होता है पार्सल डेरीवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट. मतलब मीनिंग्स ये हो गया कि हम जब पार्सल डेरीवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z जो या अदर वेरिएबल जो भी होंगे उनका जो बिहेवियर होगा वो कांस्टेंट की तरह होगा, वो कांस्टेंट होंगे जनरली. तो उसी पे हमें ये वर्कआउट करना है. सो दैट इज अ डेल फाई इज i. अब आ जाइए, तो जब x का करेंगे तो यहाँ पे 2x होगा बट y का कांस्टेंट होगा, 3y बाहर हो जाएगा तो यह जाएगा 2, मतलब 6xy हो जाएगा टोटल माइनस. दैट इज हियर नॉट x, सो इट विल बी 0 क्योंकि यहाँ पे y और z कांस्टेंट है. इट मीन्स क्या हो गया, ये पार्सल जीरो हो जाएगा. प्लस j की बात आते हैं, j लिख लेते हैं. y के रिस्पेक्ट में है तो y का 1 हो गया तो यहाँ पे बचेगा 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3y स्क्वायर एंड z स्क्वायर. ओके, एंड प्लस k की बारी है तो k की, ये पहला टर्म चूंकि z यहाँ नहीं है इसलिए 0 होगा, सिर्फ यहाँ पे आएगा माइनस, तो 2 हो जाएगा वाई क्यू जेड. ये हो गया, ये हमारा डेल फाई का मान हो गया. अब कह रहा है कि डेल फाई फाइंड आउट दैट वैल्यू दैट पॉइंट. तो सिंपल, डेल फाई एट पॉइंट वन माइनस टू वन इस पे इसका मान. और याद रखिएगा डेल फाई जो होगा हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा, दैट इज अ वेक्टर सदिश राशि मिलेगी हमें, ये याद रखना है आपको. दिस इज ऑलवेज इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फंक्शन, वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं या वेक्टर फंक्शन. अगर एट पॉइंट है तो वेक्टर हो जाएगा और अगर नॉट है एक्स वाई जेड में तो दैट इज अ वेक्टर फंक्शन. सो वन बाई टू, तो दिस इज द एक्स वाई जेड. ठीक है,
ये x है, y है और ये z है. So put now these values here, I, x, y, z. तो 6 इस ब्रैकेट बना ले हम यहाँ पे 6 माइनस 2 सॉरी 1 और ए माइनस 2 ओके 6 1 और माइनस 2 दैट इज वैल्यू ऑफ y. ये पहला प्लस z आ जाइए 3x स्क्वायर. सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर कर सकते हैं आप. x इज 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर ठीक. प्लस k इज इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ कर देता हूँ और 2y क्यूब माइनस 2 का क्यूब और दिस इज 1 ओके. मॉडिफिकेशन देख लीजिए माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे. तो माइनस 12 आई अब यहाँ पे आ जाइए प्लस में हम ले लेते हैं अगर 3 ये 4 हो जाएगा 3 12 तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस 12 हो गया और प्लस 3 हो गया तो माइनस 9j ठीक. और यहाँ पे माइनस प्लस तो 8 हो जाएगा 8 to the 16 प्लस 16k ठीक है. सो दिस इज द डेल फाई एट पॉइंट 1 माइनस 2 1. तो ये वैल्यू हो जाएगी इस वैल्यूज. तो इस तरह से हमें इस डेल फाई का मान पॉइंट आउट करना है, दिस इज सॉर्ट आउट करना है. तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कलेक्शन. एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करना है तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा आपका. तो पहले डेल फाई को हम लिख लेंगे इस तरह फार्मूले में, उसके बाद फाई का मान रख लेंगे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे एंड देन गो फॉर द सॉल्यूशंस ठीक है. तो वन बाय वन करना है, दैट इज डू नॉट मिस्टेक्स. तो अगर आप अगर सॉर्ट आउट नहीं करें, मतलब थोड़ी जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, इजिली हो जाएगा. तो हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में. ध्यान रखिएगा इफ कैलकुलेशन आपको परफेक्टली करना है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए ठीक है. चलिए आइए, तो ये पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हो गए. अब तो हम सेकंड पे आते हैं. तो सेकंड जो क्वेश्चंस है ये वाला, ये हो गया आपका, ये कह रहा है इसकी बात कर लेनी हमें. तो फिर से वही डेल एफ निकालना है. तो अब हम डेल एफ की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स जे डेल एफ डेल वाई के डेल एफ अपॉन डेल जेड. दैट इज अ फार्मूला. सो नाउ पुट नाउ हियर डेल एफ इज इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स और ये वैल्यू रख देनी है आपको एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 3xyz प्लस जे डेल बाई डेल वाई एक्स क्यू वाई क्यू 3xyz एंड नाउ के दिस इज अगेन डेल डेल जेड एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 3xyz. ये दैट इज अ कंसर्न. पहले मान रखना है. अब इस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है ओ इट मीन्स द कीपिंग ऑफ y एंड z इज कॉन्स्टेंट. y एंड बिहेवियर जो y और z का होगा कॉन्स्टेंट होगा. इस टर्म में y के रिस्पेक्ट में x एंड z कॉन्स्टेंट होंगे, इस टर्म में z के रिस्पेक्ट में x y कॉन्स्टेंट होगा ओके. नाउ सो दिस इज i x मतलब यहाँ पे 3x स्क्वायर, ये y जीरो, ये मिलेगा सिर्फ क्या प्लस 3y ऑफ z प्लस z. तो यहाँ पे ये जीरो होगा, ये सिर्फ मिलेगा तो 3y स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3xz एंड दैट इज अ k. तो ये जीरो सिर्फ हियर तो 3xy ठीक, ये हो जाएगा. सो दैट इज अ डेल एफ का मान. तो करना कुछ नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट है कि फाइंड आउट सॉर्ट आउट करना ही इंपॉर्टेंट है कि आप सॉर्ट आउट कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को. तो ये इस तरह से करने के बाद ही हम आगे का वर्कआउट कर पाएंगे. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन तो नहीं करूँगा बट सम क्वेश्चंस हियर सॉल्व इट ठीक है. जैसे ये वाजे आ जाते हैं हम इस वाज क्वेश्चन को ले लेता हूँ, पांचवा नंबर को ले लेता हूँ. जैसे पांचवा नंबर्स वर्कआउट वही करना है एवरी टाइम. वर्कआउट जो है ना हमारा सेम है,
पहले डेल फाई को फाइंड करना है, फिर आगे कवर करना है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब हम डेल फाई, तो डेल फाई को लिखना एवरी टाइम इज ए मस्ट, यू फाइंड राइट डाउन द डेल फाई देन गो फॉर द नेक्स्ट वर्क, दिस इज सो आई डेल वाई डेल एक्स, दिस इज डेल फाई, जे डेल फाई डेल वाई एंड दिस इज द के डेल फाई अपॉन डेल जेड, नाउ इज इम्पॉर्टेंट। तो अब कम टू द पॉइंट्स इज हियर, पुट द अगेन वैल्यू ऑफ फाई देन इवेल्युएट्स, सो नाउ डेल फाई इज इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स इज इम्पॉर्टेंट हियर, पुट नाउ एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई ऑफ जेड प्लस 4x z square, okay? It will get now for next z into यहाँ पे del del sorry del del y, then this is the x square y z plus 4x z square, and this is the k sequence del by del z, and this is the x square y z plus 4x z square. Is important. तो वर्कआउट वही, अगेन पुट नाउ वैल्यू एंड सिंप्लीफाई देन पुट द वैल्यू ऑफ दिस। तो करना आपको एवरी टाइम सेम सिक्वेंस में है, वर्कआउट आपका सेम होगा, सिर्फ प्रोसेस व फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ पे टू हो जाएगा, मतलब ये आएगा टू एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स है तो मतलब ये मिल जाएगा फोर जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स खत्म हो जाएगा, एक्स इज द वन प्लस जे वाले कंसेप्ट में आ जाइए, तो यहाँ पे y का 1 हो जाएगा, मतलब मिलेगा x स्क्वायर z प्लस, अब इसमें आ जाइए इसमें y है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, प्लस k वाला सीक्वेंस इसमें देख लीजिए z के रिस्पेक्ट में है तो z का 1 हो गया, मतलब मिल गया सिर्फ x स्क्वायर y, और यहाँ पे z स्क्वायर है तो मिल जाएगा 2 होगा, 2 टू जा 4 टू जा 8 एक्स जेड, ठीक। अब कह रहा है कि डेल फाई एट किस पे, 1 माइनस 1 एंड 1 पर, इसका मान क्या होगा इस पे निकाल लेना है। तो देख लीजिए आई, अब मैं मान रख दे रहा हूँ माइनस 1 रखेंगे, 1 1 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, टोटल 4 जेड स्क्वायर दैट इज अ प्लस 4 जेड स्क्वायर है प्लस जे एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर इज 1 जेड इज 1 सो टोटल इज 1 सिर्फ, प्लस के एक्स स्क्वायर वाई, तो x स्क्वायर इज 1, 1 इज हियर तो माइनस 1, ठीक, और 8x z एट x और z, दिस इज x y z तो प्लस 8, मॉडिफिकेशन तो 2i प्लस z और माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस 7k, तो ये हो गया आपका दैट वैल्यू। अगर इसी के मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे हम, अगर मैग्नीट्यूड जो मापांक होता है ना ऐसे डेल फाई का मान, तो ये आपको वेक्टर वाला कंसेप्ट मिल जाएगा यहाँ पे, इसका वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 49, ठीक है, इम्प्लाई दैट्स करके तो 54, ये तो इस तरह से ये चीज़ें की जा सकती है हमें। तो ये मेरा मोटो सिर्फ ये आपको समझाने का है कि हम करेंगे कैसे, जब डेल फाई को निकालना हो तो इस तरह से एक एक वैल्यू को रख करके कैलकुलेशन किया जाएगा, इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक्स हो जाए तो प्लीज़ आप अपने से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आगे आ जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस हो गए, ये वाला पोर्शन ख़त्म। तो अब हम अगले क्वेश्चन में आ जाता हूँ मैं, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 4 की, या मैं 4 की बात कर लूँ, ठीक है, 4 या 4 इसमें से कोई एक कर देता हूँ, एक आप छोड़ दूंगा मैं आप लोगों के लिए, तो ये छोड़ देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ अभी, चलिए। सो नाउ फिर अगेन वही काम, डेल फाई, तो आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, सी डेल फाई अपॉन डेल वाई, दिस इज द के डेल फाई अपॉन डेल जेड, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये वर्कआउट करना है, सबसे पहले इसको रखना इम्पॉर्टेंट है, जब हम वैल्यू को रखेंगे तभी आगे का वर्कआउट हो पाएगा। तो आई अब डेल डेल एक्स है और फाई का मान, दैट इज़ अ फाई का मान यहाँ पे ये हमारा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस एक्स जेड स्क्वायर,
plus j del del y xq minus xz square plus k del del z and value फिर से वही वर्कआउट हमारा xq minus yq minus xz square. ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं इस पर हम. तो डेल फाई इज इक्वल टू पहला आई इन साइड आ जाइए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, सो दैट इज ये सेकेंड वाला जो टर्म्स है दैट इज जीरो हो जाएगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा. तो ये पहला मिल जाएगा 3x² माइनस यहाँ पे x का 1 हो गया, सो दैट इज z स्क्वायर प्लस z. y के रिस्पेक्ट में है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, माइनस सिर्फ मिलेगा माइनस 3y² और प्लस k. ठीक है, k के रिस्पेक्ट में करेंगे, z है तो ये दोनों जीरो होंगे, यहाँ पे मिलेगा तो माइनस 2xz ये मिलेगा. ठीक है, डेरिवेटिव और जनरल फार्मूला जो डेरिवेटिव का होता है वही लगता है हमारा फार्मूला. अब कह रहा है कि जो डेल फाई का मान है ना वो कौन से बिंदु पे निकालना है, ये है 1 माइनस 1 2 पर इसका मान. तो ये दिस इज द एक्स वाई जेड, इस पे मान रख दीजिए फटाफट आई. अब यहाँ पे रख देना है तो 3 हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर है तो माइनस 4 हो जाएगा. ठीक, प्लस जे यहाँ पे वाई स्क्वायर है माइनस 3 और वाई स्क्वायर तो माइनस 1 का प्लस हो जाएगा तो माइनस 3 ही रहेगा. के की बात कर ले तो यहाँ पे माइनस 2 है, एक्स है माइनस 2 इंटू एक्स इज 1 इंटू 2 जेड. सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस आई हो गया, यहाँ पे क्या माइनस 3 जे हो जाएगा और ये होगा 2 माइनस 4 के. ठीक, सो ये डेल फाई हो गया. अब इसी के अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो अंडर रूट में आ जाएगा इनका गुणांक माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर. ठीक है, ये होता है. तो अब ये सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है, तो 26 अंडर रूट. तो ये हो गया मापांक, दैट इज अ मैग्नीट्यूड. तो इस तरह से स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस को हमें वर्कआउट करना है. तो ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में हमें छोटे छोटे अगर जो मिलते हैं, मतलब ये सबके लिए नहीं है बट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स जो होंगे डिप्लोमा से छोटे क्वेश्चंस होते हैं एक दो नंबर वाले, वो इस तरह के क्वेश्चंस को मिलते हैं, दैट इज मॉडिफाई. अभी जो हम आगे का सीक्वेंस होगा हमारा डाइवर्जेंस कर्ल्स वगैरह फिर उससे प्रॉपर्टीज, तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे थोड़ा मतलब जो पहले ईजी कंसेप्ट है उसको कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर हार्ड कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो कम से कम 8 से 10 लेक्चर्स वेक्टर डिफरेंशिएशन को हम देने वाले हैं और उस पर ही वर्कआउट होगा. जैसे फिर आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना हो, जो वेक्टर डिफरेंशिएशन का सारा टॉपिक जो उससे रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं मैं लेने की कोशिश करूँगा कि और का हल हो जाए. सो टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद.